तो मैनपुरी से आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है लोगों को लूटने वाले गिरोह का। पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कॉल सेंटर के जरिए लोगों को शिकार बनाते थे ये। हालांकि पुलिस ने 11 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 कार, 19 मोबाइल, 21 ATM कार्ड भी इनके पास मिले हैं। आपको बता दें पुलिस और साइबर टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने 11 शातिरों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर के जरिए ये लोगों को शिकार बनाते थे। हालांकि अब इस गिरोह का खुलासा कर दिया गया है और इस पूरे मामले में 11 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 कार, 19 मोबाइल, 21 ATM कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस और साइबर टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है और ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 11 आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा गिरोह था जो ठगी करता था और इस पूरे मामले में पुलिस लंबे समय से जांच भी कर रही थी। अब इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कॉल सेंटर के जरिए ये लोगों को ठगते थे। हालांकि अब 11 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, ये 16 जनवरी 2023 को अभी किरावली के रहने वाले हैं उदयपाल सिंह। इन्होंने एक ठगी के संबंध में कि उससे टावर, मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे 19 लाख रुपए कुछ लोगों ने 4 खातों में ट्रांसफ़र करा लिए हैं। इस पर इनकी एप्लीकेशन पर साइबर सेल को जांच के लिए दिया गया, तो जो इन्होंने तकनीकी जांच वगैरह की उससे पाया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इनके साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। तो उसके बाद फिर ये हमारी टीम सक्रिय हुई और वहाँ पर कोई कुरावली में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया इनके विरुद्ध, 420, 467, 468, 71 और 66 IT Act का।